तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, पिछले वीक में क्या रहा, और गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस ये बताएंगे आपको, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो आप लोगों को डिस्क्लेमर बता देता हूँ। डिस्क्लेमर का मतलब यही होता है, ये हमारा पर्सनल व्यू होता है, ये जरूरी नहीं कि 100% सही होगा। ठीक है, तो जो भी आप काम करना है, पोजीशन बनानी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह नक्षत्र की, क्या आने वाले वीक में क्या चेंज होने वाला है। तो एक तो कल से जो है, ये कल के आज 1 तारीख है, आज से ही ये नेपच्यून वक्री हो गए, मंगल सिंह राशि में आ गए, आज से रात आए थे, और शुक्र 7 तारीख से सिंह राशि में आएंगे। तो मंगल क्या है, नीच राशि में थे और नीच राशि से अभी सिंह राशि में आ गए। तो ये जो 2-3 दिन जो पहले जो तेजी हुई है ना, तो कोई ग्रह जब नीच राशि में आता है होता है तो वो 1.5 महीना 46 दिन के करीब रहते हैं एक राशि में। तो उससे 2-3 दिन पहले उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आना शुरू हो जाता है, और वो ही करीब करीब तेजी मार्केट में हुई है। पिछले वीक में बहुत अच्छा पैसा बना है और सभी का बना होगा। मैंने आपको फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। मैं टाइम टू टाइम डालता रहा था कि भाई यहाँ जो है इतना जाएगा, ऐसा करेगा, एक्सपायरी को सुबह आपको डाटा डाल देता हूँ। पॉजिटिव है तो कॉल साइड काम करो, अगर नेगेटिव होते हैं तो पुट साइड काम करो और स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर के लेवल पे है। ठीक है, स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है और इसमें डरना नहीं है। ठीक है, कल मैं 2 बार ऑडियो डाला अपने ग्रुप में कि जब तुम लोग ऊपर जाता है तो डर क्यों रहे हो, प्रॉफिट बैठो आराम से पकड़ के। ठीक है, हम सुबह से ही कॉल में बैठे थे, बढ़िया प्रॉफिट। ठीक है, तो इस वीक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना है, चाहे स्टॉक हो कोई भी चीज़ हो। अभी पहले बात करते हैं तो मतलब मार्केट के लिए ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक पॉजिटिव है हमारी तरफ से, बाई ऑन डिप्स रह सकता है। लेवल की बात करें तो निफ्टी में नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 19,100 के करीब बनेगा। अभी कोई डिप आती है वहाँ आपको लगता है ऐसा तो सोचा जा सकता है, और ऊपर 19,360 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, और उसके बाद फिर 19,630 के कहीं ना कहीं गेट ओपन, डोर ओपन हो जाएंगे उस साइड के लिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी में जो नीचे की साइड में जो रेजिस्टेंस था बहुत दिन से, कल जो जिसको रिटेस्ट किया है, कल का जो लो था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंक निफ्टी में नोट कर लो, वो था आपका 44,551। मोटा मोटा याद रखो, एक पॉइंट छोड़ दो तो 44,550 पकड़ के चलो। ठीक है, ये वाला जो है आपका लेवल, ये अभी इम्पोर्टेंट है, इसके नीचे अगर इसको ब्रेक करता है फिर हालात थोड़ा सा खराब होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। मैं अभी आपको लॉन्ग टर्म नहीं बता रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि अभी मार्केट ठीक है, मार्केट के साथ काम करो, फिर बात करेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप लोग भूल जाओगे, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई है इस वीक में कि तीनों में ऑल टाइम हाई पे ही हम लोग जाके बंद हुए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सेंसेक्स भी, और भी फोर्थ जोड़ दो। ठीक है, अभी आता है आपका बीटीसी, नहीं पहले मार्केट, मंडे को क्या रहेगा मार्केट।
मॉर्निंग में डाउन दिखाई देता है मार्केट, अगर कोई डिप मिलती है तो बाई की अपन वो रह सकता है, और 11:50 पे चेक करना अगर यहाँ पे क्या है। मेरे को पता नहीं है ये तेजी का टाइम है मंदी का, क्योंकि दोनों है, पर होगा कुछ इस पे बड़ा 11:50। और मिक्स टू पॉजिटिव रह सकता है 4 तारीख को, 4 जुलाई को, 5 तारीख को अपसाइड है मार्केट बुधवार को, ठीक है। तो ये 3 दिन हो गए आपके। इसके बाद आता है बीटीसी, बीटीसी आपकी 3-4 अगस्त के बाद मतलब शुक्र 7 को जाएंगे राशि में, उससे 1-2 दिन पहले मतलब 4 मान लो, 3 मान लो, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं ये बाउंस आना चाहिए, और ये कहीं आगे की तरफ 1 सवा महीना आपकी बीटी जो क्रिप्टो करेंसी है ये बुलिश है। आप लोग नोट कर लो, क्रिप्टो करेंसी बुलिश है अगले 1 सवा महीना। इसके बाद आता है आपका सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर अभी आपको जो मेन रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर टिकना है, तकरीबन उससे नीचे बंद हुई है 69,555, मतलब 520 से 555 है, इसके ऊपर जाती है फिर आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा करीब करीब 71,000 और इसके बाद 73,500, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड में 58,200 को ध्यान रखना, इसके ऊपर फिर थोड़ा टारगेट बड़े मिलेंगे 58,500 और 59,100। क्रूड ऑयल मैं हर बार बता रहा हूँ रेंज बाउंड में चल रहा है 55,550, ये सपोर्ट काम कर रहा है, और ऊपर में 5950 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी शायद 5800 पे चल रहा है क्रूड ऑयल, तो ये ही इसकी रेंज है। नीचे आता है बाइंग करो, ऊपर सेल, बीच में 1-2 सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो एक बार उनको देख लो, ठीक है। तो आपका बीटीसी हो गई, क्रूड ऑयल भी हो गया, अभी नेचुरल गैस जो है मैंने पिछली बार बताया था वही है, 235 इसका रेजिस्टेंस है। ये जैसे ही कटेगा फिर आपको इसके बड़े टारगेट ऊपर की तरफ मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद 10-10-15 पॉइंट के, और कहीं ना कहीं अब नीचे से 167 से बाइंग में थे, है ना, 167 का ही सपोर्ट था शायद, वहां से अभी धीरे धीरे ऊपर ही आ रही है, तो ये भी आपकी ठीक है। इसके बाद जो आपके सेक्टर हैं, मेरे को एक बेस मेटल के जो सेक्टर हैं वो एक अच्छे लग रहे हैं, मतलब मेटल सेक्टर अच्छा लग रहा है। आईटी में मैं बुलिश हूँ, आईटी सेक्टर में। इसके बाद आईटी हो, आपके टेक हो, इक्विपमेंट के शेयर हो, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था जिसके पीछे टैग लगा हुआ है, टेक्निकल कोई स्टॉक है टैग लगाया, वो देखो स्टॉक कितने भागे हैं पूरी तरह, 70-80-90%, कोई डबल कोई ट्रिपल हो गया पिछले 1.5-2 महीने में, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मेटल आपका ठीक है, आईटी ठीक है, आईटी उतना ठीक नहीं है पर ओवरऑल बुलिश है, तो मेटल आईटी। अच्छा, मेटल पे एक चीज ध्यान रखो, ये अभी चल नहीं रहा है, थोड़ा निकलता है, जैसे आपका टाटा स्टील है वो 112 के ऊपर ही नहीं जाता, 3 पॉइंट गया था पिछली बार, दुनिया बुलिश हो गई 115, तो ये कहीं अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंसों को ब्रेक करते हैं जो पिछला हाई है खासकर, फिर इसको आप यहाँ से मतलब आप अपना तेजी काउंट करना। और आईटी हो गया, एक ऑटो भी थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पर कुछ दिन, 1 वीक के लिए, ठीक है। और आईटी, ऑटो, मेटल, टेक के ये वाले स्टॉक, ये सभी ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी समाप्त करते हैं, थैंक यू, जय हिंद।